अमरावती के महाकाली मंदिर जो शक्तिपीठ है, यहाँ पे एक प्रेस वार्ता ली गई जिसमें एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि आज से अमरावती के करीबन 8 से अधिक मंदिर, जिसमें महाकाली मंदिर है, अंबा देवी देवस्थान है, बालाजी संस्थान है, पिंगला देवी का संस्थान है, ऐसे 8 से अधिक मंदिरों ने यहाँ पे अपने मंदिरों में ड्रेस कोड अर्थात वस्त्र संहिता शुरू की है। मंदिरों में आते समय अंग प्रदर्शक, कम वस्त्र, इसके साथ साथ जो उद्योजक वस्त्र रहते हैं, असात्विक वस्त्र रहते हैं पहन के आप ना आए, इसके बारे में सर्वानुमत एक निर्णय लिया गया और इसके बारे में सभी को सजग जागरूक किया जाएगा। और आज से और कुछ मंदिरों में कल से ये निर्णय लागू होगा। आज हर क्षेत्र में सरकार का अगर देखते हैं तो सरकार का 11 दिसंबर 2020 का निर्णय है कि सरकारी कर्मी अगर ऑफिस में आते हैं तो उनको ड्रेस कोड लागू है। 1 जनवरी 2016 में तमिलनाडु हाईकोर्ट का निर्णय है कि तमिलनाडु राज्य में पूरी वस्त्र संहिता लागू की जाए। वकील रहता है उसका ड्रेस कोड रहता है, पुलिस का ड्रेस कोड रहता है, डॉक्टर का ड्रेस कोड रहता है, तो मंदिर में ड्रेस कोड क्यों नहीं होना चाहिए? और जब ड्रेस कोड लागू किया जाता है तो कुछ वामपंथी, कुछ पॉलिटिकल लोग यहाँ पे उसका विरोध करते हैं और पूछते हैं कि मंदिर के बारे में आप ऐसा कर रहे हैं, अन्य जगह पर क्या है? उनको मुझे बताना यह है कि आपकी हिम्मत है अन्य धर्मियों के बारे में बोलने की? काबा में कोई मुसलमान वहाँ पर जाता है मक्का मदीना में तो आधा वस्त्र पहन के जाता है, किसी मुस्लिम महिला के बुरखे के बारे में आप कभी बात नहीं करते वहाँ पर, हिजाब का आप समर्थन करते हैं, और हिंदुओं के मंदिर में अगर वस्त्र संहिता लागू हो जाती है तो वहाँ उसका आप विरोध करते हैं। ये दोगली नीति जो है आपकी, ये नहीं चलेगी यहाँ पर। हिंदू आप जा चुके हैं, यहाँ पर मंदिर विश्वस्त संगठित हुए हैं, और केवल 8 मंदिर में नहीं, आने वाले 2 माह में अमरावती में 25 से अधिक मंदिरों में ये वस्त्र संहिता लागू की जाएगी। इसके साथ साथ महाराष्ट्र में सभी जगह पे आज के सभी मंदिर, विदर्भ देवस्थान संघ है, महाराष्ट्र मंदिर महासंघ है, अपने अपने प्रयासों से 300 से अधिक मंदिरों में ये वस्त्र संहिता लागू करने के लिए प्रयास करेगा। सभी भाविक भक्तों को हम सबसे विनती है कि आप मंदिर में आते समय सात्विक वस्त्र पहन के आए, ना कि कोई अंग प्रदर्शन करने वाले कपड़े पहन के आए। आप सभी से विनती है और मंदिर में आइए, दर्शन कीजिए और अपनी संस्कृति का पालन कीजिए। मैं सुनील घनवट, हिंदू जनजागृति समिति महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ संगठक तथा महाराष्ट्र मंदिर महासंघ का समन्वयक।